बैठकर यहाँ बातें बनाती रहना और सारे काम मुझसे करवाती रहना। शुक्रिया सुमन, मैं ले जाती हूँ इन्हें नीचे। रोना बंद करो आसुमान, तुम तो वैसे ही इतने दिन से आराम कर रही हो और हम बातें नहीं कर रहे थे, अपनी जिंदगी को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमारे कितने नए गोल्स हैं। बहुत हो, मेरे भी जिंदगी में कुछ करने के बहुत से इरादे हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इंशाल्लाह, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना होगा। यहाँ से तुम एक सेकंड भी नहीं जा सकती। ऐसा करो कि तुम दोनों बहनें एक दूसरे का सर फोड़ो, मैं जरा तारिक को देख कर आती हूँ। चलो जाओ मेरी जान। ओहो तारिक, क्या हाल है, कैसे हो? ठीक, तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बस कामों में लगी हुई हूँ। काम में लगी हो? हाँ, जरूर बिजी होगी। नहीं अभी इतना बिजी नहीं हूँ, ज्यादा लोग नहीं आए हैं ना अभी। हाँ लेकिन शाम की तैयारियाँ तो शुरू कर दी होंगी ना? पहले हम लंच की तैयारी करेंगे, फिर लंच के बाद देखेंगे कि शाम का क्या करना है। वैसे भी कोई खास रिजर्वेशन नहीं है तो हम लोग सुकून में ही है। हाँ लगता है हमें तुमसे डरना चाहिए यार, कितने अच्छे से छुपाती हो। क्या छुपा रही हूँ मैं? देखो 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 देखो, वाह तुम्हारा ये आवाज बदलना और ये छुप छुप के सब कुछ कर लेना, वाह। हाँ लेकिन मेरे सामने एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ यार, मुझे खबर है। अल्लाह अल्लाह, फरीद साहब की सालगिरह के लिए नाजली सरप्राइज प्लान कर रही है, मुझे सब पता है और तुम उसकी मदद कर रही हो। आज फरीद साहब का बर्थडे है। हाँ वाह वाह भाई, अभी भी एक्टिंग जारी है तुम्हारी, ब्रावो। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी, यकीन मानो तुम तो इस टाइम ऑस्कर टाइप परफॉर्मेंस दे रही हो, या यूं कहूँ इस साल का बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल का अवार्ड जाता है फतोश को, एंड ऑस्कर गोज टू फतोश। बहुत खूब। ठीक है फतोश मेरी जान, तारिक से छुपाने की अब जरूरत नहीं, तारिक हमें पता था, ऐसी चीजें हमें नहीं पता होंगी, लेकिन सरप्राइज रखना था इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया, इसलिए फतोश हैरान हो गई कि तुम्हें पता था। हाँ ना, मुझे भी इसी बात की तो हैरानी हुई कि हमने इतना राज रखा था, इसको कैसे पता चल गया। लेकिन एक बात कहूँ, तुम इस बात को राज रखने में कामयाब नहीं हुए। और क्या, क्या फरीद साहब को मालूम है इस सरप्राइज के बारे में? मतलब फरीद ये समझ गया होगा कि हम उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। मुझे भी एंगल साहब ने बताया, फरीद साहब ने एंगल साहब को बताया, क्योंकि नाजली मेरे लिए कुछ प्लान कर रही है या नहीं, और सच पूछो तो मुझे शाम के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। मैं बिल्कुल भी नहीं छुपा पाई। तो तुम यहाँ जासूसी करने आए थे तारिक? हाँ, उन्होंने जासूसी करने के लिए भेजा था, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ होगी क्योंकि मैं खबर लेने चला आया, लेकिन खुद ही सारी खबर दे दी। नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। देखो एक काम करते हैं तारिक, तुम एंगिन को कॉल करो और उससे ये कहो कि आज शाम को हम एक सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं, हम भी ऐसे ऐड करेंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं था। बहुत अच्छे, मेरे लिए बेहतर होगा कि ये बात हमारे बीच में ही रहे। बहुत अच्छे, तो मैं एंगिन साहब को कॉल करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मैं यहाँ आ गया हूँ, ताकि अगर पार्टी के लिए कोई मदद चाहिए होगी तो मैं यहीं रहूँगा आप लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है। हाय नाजली, हम क्या करेंगे सरप्राइज पार्टी का? यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, इस कर्जे के चक्कर में दिमाग ऐसा लगा हुआ था कि मैं भूल ही गई। या अल्लाह, शौक लग गया मुझे तो यार। सुनो मैंने सोचा है कि एक काम करते हैं, यहाँ की ना चेयर्स टेबल वगैरह हटा देते हैं और कुछ ना नया सा अरेंजमेंट करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज पार्टी देने के लिए। नहीं फतोश नहीं, तुमने सुना नहीं, फरीद ने पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ है, यहाँ नहीं कर सकते, हमें कहीं और इंतजाम करना होगा और हमें कोई अच्छा सा सरप्राइज सोचना होगा। सही कह रही हो। तारिक को दे दो, वो पेमेंट कर देगा। ठीक है अक्कान साहब। बाजी। डेनिस, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। तुम ठीक हो ना? ठीक है तुम्हारी बहन, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, है ना मेरी जान? हाकान। हाँ? तुम जो भी बात करना चाहते हो करो, कल मैंने सबके सामने बात नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि बात खत्म, कुछ बातें बहुत अहम हैं। कौन सी बात? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? रिलैक्स चैंपियन, रिलैक्स। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, कल रात भी बताया था मैंने तुम्हें डेनिस, फैमिली के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, हमारे मामलात में तुम मत पड़ो, लेकिन अगर तुम इसरार कर ही रहे हो तो फिर मैं बता देता हूँ तुम्हें। मेरे ही घर में मेरी बीवी के सामने मुझ पर हाथ उठाया, तुम लोगों ने मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाया और उसी दिन
मुझे अपनी बीवी के अबॉर्शन के बारे में पता चलता है। कुछ वक्त के बाद हम बलूत का केस भी हार गए। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों की लाइफ कैसी है, लेकिन मुझे अपनी बीवी से तो डिस्कस करना था। डैमिट, कुछ कहो ना। मेरी जान, क्या तुम डेनिस से कुछ कहोगी? डेनिस, हम आपस में सुलझा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। अच्छी बात है, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, हम ऑफिस चल रहे हैं, शेयर ट्रांसफर का काम कर लेते हैं, बाहर वेट कर रहा हूं। ठीक है। खुदा हाफिज डेनिस। हकान, मुझे ऑफिस जाना है। वैसे ही कल रात इतना कुछ हो गया है, हमें उनका शक और नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरी जान, तुम्हें जाना ही होगा, हमारा वहां हक है, उसे लेना होगा तुम्हें। तुम हमारे उस ऑफिस के अंदर की जासूस होगी। दैमित, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम्हारा फरीद के करीब होना, तुम भी तो बहुत सालों से यही चाहती हो, उसके करीब होना। हर मिनट की रिपोर्ट दो मुझे, उस पर नजर रखो। और एक बात सुनो प्लीज। तुमने नोटिस किया कि हम कितने अच्छे पार्टनर्स बनते जा रहे हैं? मुझे तुमसे और ज्यादा मोहब्बत होती जा रही है। डेनिस मेरा वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा। ठीक है, तो मैंने मेन्यू तैयार कर दिया है, हम फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया यार फतोश, मौसम कितना अच्छा है ना। अंदर साफ हवा आने दो। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो एंगिंग की फोटोज में खो गई थी मैं। मैंने तो तुमसे कहा था कि रिलेशनशिप के बाद दोस्त नहीं रह सकते, और तुमने ही ये फैसला किया। हाँ, हम दोस्त हैं। हाय नाजली, ये देखो ना कितना अच्छा लग रहा है ना। फतोश, अरे मैं एक दोस्त की तरह देख रही हूँ यार। मैं बता देती हूँ तुम्हें, मुझे ऐसे मत देखो तुम। अरे रुको, वो फरीद है ना? हाँ, फरीद असलांस बर्थडे पार्टी लिखा है नीचे, 7 साल पहले की फोटो है। इस पिक्चर में सिर्फ मैं एंगिन को ही जानती हूँ, बाकी तो शादी पे कोई नहीं आया। इसका मतलब कि अब वो लोग दोस्त नहीं रहे होंगे नाजली। बेचारे, जबकि सब कितने खुश लग रहे हैं ना। अब यार हर कोई हम दोनों की तरह सालों तक दोस्ती तो नहीं निभा सकता ना, बिछड़ जाते हैं लोग। और क्या मिल गया? अरे क्या मिल गया बेबी? फरीद की सरप्राइज पार्टी का आइडिया मिल गया। क्या? इन फोटो में जो लोग हैं, हम इन सबको बुला लेते हैं, यानी ओल्ड फ्रेंड्स का रीयूनियन रखते हैं। बहुत नॉस्टैल्जिक होगा ना, फरीद के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। हाँ यार नाजी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, मगर तुम्हें लगता है कि हम लोग शाम तक ये कर पाएंगे? क्या पता कि अब वो लोग कहाँ हो। पता नहीं, जितने आ सकते हैं वो आ जाएंगे। मैं मैसेज करती हूँ, फिर देखते हैं। हाँ, वैसे फरीद साहब को ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। हाँ यकीनन। किसी दिन चेकमोए के प्रोजेक्ट को चल के देख लेते हैं, वहाँ काम बहुत ही आहिस्ता चल रहा है, जाके देख लेना बेहतर है। हाँ हाँ, जरूर चलते हैं। ठीक है, वैसे तुम क्या देख रहे हो यार? मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, बस एक 7 साल पुरानी तस्वीर थी, आज अचानक से मेरे सामने आ गई, जरा देखो। तुमने अब तक डिलीट क्यों नहीं की है? मैंने थोड़ी अपलोड की थी, जो मैं डिलीट करूंगा। उमर ने अपलोड की थी, हम सबको टैग किया हुआ था उसमें। तो फिर पेज बंद कर दो एंगन, तुम्हें पता है कि मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ। अच्छा ठीक है कर देता हूँ, बस आ गई सामने, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना यार, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ, समझे? ठीक है, वो किस्सा खत्म हो चुका है, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। वैसे कितने साल हो गए फरीद? खैर जो भी है, मैं डिलीट कर दूंगा, फिक्र मत करो, जाओ तुम आराम से। नाजरी मेरी जान, तुम क्या कर रही हो बेबी?
हर एक को अलग अलग मैसेज कर रही हूँ फतोश, ग्रुप टेक्स्ट करके मैं लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। हाँ आई, बहुत अच्छा सोचा है। वैसे यार ऐसे ग्रुप बनाने का ना बहुत ज्यादा फायदा होता है, एक ही बार मैसेज कर तो सबको पहुंच जाता है और बहुत आसानी होती है, सब पहुंच जाते हैं, कितना अच्छा होता है ना, बहुत ही जबरदस्त। हाय फतोश, मुझे नहीं पता होगा। हाँ लेकिन मुझे उन ग्रुप्स में ना एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप मैसेजेस पढ़ते हैं लेकिन रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग फालतू मैसेजेस से परेशान हो जाते हैं फतोश। हाँ जानती हूँ मैं कि वो तुम ही हो नाजली। बस ये मैसेज और भेज दूँ। वो कौन है? पेलिन तुरान। अरे वाह, सबसे खूबसूरत लड़की को सबसे आखिर में मैसेज कर रही हो। नाजली तुम नहीं चाहती ना कि वो आए? तुम भी ना फतोश, तुम्हें पता है सबको बुलाना है मुझे। देखो तो इसे, आंखें देखो कितनी तेज लग रही है, इसे बुलाना जरूरी है क्या यार? फतोश 7 साल पहले की बात है, इस लड़की की शादी और बच्चे सब हो गए होंगे। और कोई फोटो है क्या? चलो देखते हैं ना। नहीं हम नहीं देख सकते क्योंकि हम दोस्त नहीं हैं। वाह तुम देख चुकी हो। अरे फतोश बातें मत करो, मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है, चलो काम करते हैं। स्कूल जाकर काम ढूंढूंगी मैं, और मैं और मनामी इस पार्टी की जगह को भी चेक करेंगे। यहाँ का ख्याल तुम रख लेना, मैं चलती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। कैसी हो आजमान? मैं ठीक हूँ तारिक, चाय लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, शुक्रिया। वैसे भी इतनी जल्दी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मेरा मतलब है कि फतोश अब सिंगल है और तुम अभी तक नाशपाती के बागों में फिर रहे हो। कौन सा नाशपाती का बाग आसमान? हाँ ठीक ही तो कह रही हूँ मैं तारिक, तुम ऐसे टहलते रहते हो जैसे बाग में हो, तुम्हें किस चीज का इंतजार है जाकर मैं ही बता दूँ क्या उसे? अगर आसमान तुम्हें वाकई ऐसा करना है तो तुम कर लोगी, और मुझे खुशी होगी अगर तुम ऐसा करो, क्योंकि अब मैं फंस गया हूँ आसमान, एक हद के बाद मैं फंस गया, एक अरब के घोड़े जैसा जिसे वो बाद में निकालता है, मैं भी वैसे ही बाद में फंस गया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ कोशिश करती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन बाद में तुम्हें भी कुछ करना होगा, मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, तुम्हें भी करना होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, यही तो मसला है, मुझे एक ग्राउंड चाहिए, अगर ग्राउंड मिल जाए तो सब कुछ हल हो जाएगा। आओ मेरे साथ। हाँ हाँ जल्दी करो, बिस्मिल्लाह। आओ तारिक जल्दी आ गए। हाय तारिक, खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसे हो तारिक? ठीक, तुम कैसी हो फतोश? हाँ हम ठीक ही है, मैं और मनामी हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे। अच्छी बात है। हाँ वो मुझे यहाँ पर एंगन साहब ने भेजा है, आप लोग फरीद साहब की सालगिरह के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ नाजली काम से बाहर गई है, हमें पार्टी के लिए ना बहुत सारा सामान खरीदना है, डेकोरेशन खाना सब कुछ देखना है। तुम ऐसा करो ना कि जाकर मनामी के साथ सारी पार्टी की चीजें ले आओ। हाँ हाँ मनामी के साथ? क्यों सही कहा ना मेरे मनामी? हाँ कोई मसला नहीं। मुझे लगता है कि फतोश तुम्हें जाना चाहिए तारिक के साथ, है ना? हाँ। अच्छा और वो क्यों? देखो फतोश वैसे भी आपा यहाँ पर नहीं है, और वैसे भी कोई भी मसला होगा तो मनामी का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, रेस्टोरेंट को भी तो देखना है। नहीं नहीं मनामी को जाने दो, आओ मनामी आप दोनों जाओ ठीक है। देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तारिक के साथ जाना चाहिए। अरे अरे आप लोग रुकिए, ऐसे फैसला नहीं हो पाएगा, और ऐसे करते भी नहीं है, टॉस कर लेते हैं। ठीक है यही खेल खेलते हैं, अगर टेल्स आया तो मनामी के साथ जाऊंगा, और अगर हेड आया तो फतोश के साथ जाऊंगा। गेम्स खेलने की क्या जरूरत है, मैंने कहा ना फतोश के साथ जाओ। बिल्कुल भी नहीं, मैंने एक बार कह दिया है ना कि तारिक मनामी के साथ जाएगा, आप दोनों जाओ ठीक है। रुको जरा, अगर मैं नहीं भी जाऊँ तो भी मसला नहीं है। नहीं भाई तुम ही जाओगी। नहीं मनामी तुम्हारी यहाँ जरूरत है। आसुमन क्या हो गया मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो तुम और तारिक जाओगे, मनामी यही रहेगी रेस्टोरेंट को संभालने के लिए। नहीं वो दोनों जाएंगे समझी, तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, तुम्हें क्या मतलब है इससे? तारिक तुम मनामी के साथ जाओगे ठीक है? तारिक के साथ जा रही हो, कोई बहाना नहीं चलेगा ठीक है। मैंने कह दिया, मैंने कहा ना कि यहाँ रुकना जरूरी है, तो तारिक क्या हाल ही जाओगे तारिक? तुम अपने मुंह पर नहीं जाना चाहिए आपस में। खामोश। बाजी का 5% का हिस्सा बहुत मायने रखता है हमारे लिए, देमिर भाई का एक ख्वाब सच हो जाएगा गोया के। मेरी बात मानने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। देमिर ने हिस्सा देते वक्त कभी नहीं सोचा होगा कि हक्कान ही उसकी मौत का सबब बनेगा। तुमने एक बड़ी बात कह दी है फरीद, सच बात तो यही है कि हकान मुझे पसंद नहीं, बल्कि मैं तो उस पर नजर रखता हूं, मगर हमारा टॉपिक तो
बाजी हैं और हमारी पूरी फैमिली को एक छत के नीचे आना है। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे बाबा चाहते थे। फरीद साहब, हिस्से देने का कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, ये लीजिए। हमारे बाबा, खासकर तुम्हारे बाबा चाहते थे कि ये काम हो जाए, इसलिए दैमित का इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं। पर दैमित की अम्मी और डैनिस की वजह से मैं हिस्सा तुम्हें दे देता हूं। फरीद भी दरअसल यही चाहता है, हम सब एक छत के नीचे, पूरी फैमिली। हमारी जैनब भाभी भी यही चाहती थी। माफ कीजिएगा, मैं भी आता हूं। Come on, Damit, जल्दी करो, साइन करो और आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ Damit। ठीक है कान भाई, वो कुछ देर पहले ही तो गई हैं। मुझे पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। हकान भाई, मुझे नहीं लगता कि भाभी इस बार कुछ करेंगी, क्योंकि आपने बहुत डरा दिया है उन्हें। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो बिकर, मुझे डर है कि वो कहीं मेरे डराने की वजह से कहीं बोल ना दे। मुझे भी लगता है कि वो हमारी पकड़ से निकल जाएगी। Damit, मैंने ये दूसरी बार तुम्हें बुरे हाल में देखा है कान के साथ। तुम क्या मेरे लिए परेशान हो रहे हो या सोचते हो मेरे साथ यही होना चाहिए? अगर तुम हकान के बुरे कामों के बारे में जानती हो तो, जो कि तुम जानती होगी क्योंकि तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, अगर तुम उसके खिलाफ गवाही दे दो तो हकान का काम तमाम हो जाएगा। सिर्फ हकान के काम के बारे में उतना ही जानती हूँ जितना तुम लोग जानते हो। लेकिन अगर तुम्हें पता होता, अगर तुम उसके करतूतों के बारे में जानती तो तुम मेरी मदद करती? बिल्कुल। जरूर करती, और क्यों ना करती। अगर तुम्हें किसी दिन पता चले और तुम सोचो कि हकान को उसकी सजा मिलनी चाहिए तो मुझसे बात करने से घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम मासूम हो, सजा की हकदार तुम नहीं हो। फरीद, तुम्हारा शुक्रिया। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी पता चला अगर तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। इंशाल्लाह Damit, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया, मैं अपनी वाइफ को लेके आऊंगा। शुक्र है लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बस उस पहल ने कुछ जवाब नहीं दिया।
Have a good day, Mr. Mustafa. Thank you. Thank you. मैं तो मीटिंग में ध्यान ही नहीं दे पा रही। फरीद की बीवी ने मुझे फरीद की बर्थडे पार्टी पे बुलाया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। शायद तुम दोनों के माजी के बारे में नहीं पता हो। वो सिर्फ फरीद को सरप्राइज देना चाह रही है। जाहिर है फरीद को इसका इल्म नहीं होगा। तुम्हें फैसला करना होगा पैलन। 2 घंटे बाद फ्लाइट है तुम्हारी। तुम इस्तांबुल जा रही हो या नहीं जा रही? अगर वो लोग मुझे देखना ही चाहते हैं वहाँ तो चली ही जाती हूँ मैं। शायद फरीद से सुलह करने का यही सही टाइम है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट और बेल्कन की सबसे अच्छी पीआर। एक मिनट, तुमने साइन कर दिया? हाँ कर दिया। सो सॉरी, दोबारा स्टार्ट करते हैं। आवर डियर व्यूअर्स एंड गेस्ट, मिडिल ईस्ट और बेल्कन की सबसे अच्छी पीआर मैनेजर, बल्कि इसी पोसुला होल्डिंग में छोटा सा हिस्सा जोड़ना भी कह सकते हैं। ते मेरी जान, बात सुनो, एक बात कहनी थी मुझे। असल में तुम्हें पीआर मैनेजर के बजाय शायद हमें हाई प्रोफाइल पीआर मैनेजर कहना चाहिए तुम्हें। उस दिन हम यहाँ ये बात कर रहे थे कि वो हमें आगे के दरवाजे से निकालेंगे तो हम पीछे से घुस जाएंगे, लेकिन जिस दरवाजे से हमें निकाला था हम आराम से उसी से घुस गए। मुझे गुस्सा आ रहा है हकान। मैंने वो भी सिर्फ और सिर्फ डेनिस की सिफारिश पे, क्योंकि डैमर भाई भी ऐसा ही चाहते थे जब भी सिग्नेचर किए मैंने। अरे मेरी बात तो सुनो, अकेली खेलती रहो, हम तो टीम के साथ ही खेलेंगे, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूँ वो हमारे लिए, हम दोनों के लिए करता हूँ। जरूरी बात यह है कि हम में से एक अब पोसुला होल्डिंग का हिस्सा है। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपना सब कुछ देना होगा। मेरी जान, तुम्हें मुबारक हो, वाकई बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने। आपका बहुत शुक्रिया। जी आदिल सर। जी जी, किया था कॉल, मैं जाऊंगी मिलने। अभी मुझे बैंक में कुछ काम है, वो करने के बाद मैं मिल लूंगी उनसे। जी जरूर, मैं आपको बता दूंगी। यानी मुझे नहीं लगता कोई मसला है, ये भी सही ही है। आसमान पे गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, मेरा मतलब अगर 3 लोग हो हमेशा 2 लोगों से बेहतर ही होते हैं। वाकई में मसलन अगर 2 लोगों को कोई मसला हो, एक दूसरी बात कर रहा हो और दूसरा दूसरी बात, तो तीसरा आदमी सुलझा देगा। अगर ना सुलझ पाए तो ज्यादा से ज्यादा वोट कर लेना चाहिए, है ना? मेजोरिटी जो फैसला करेगी वही होगा, और सबसे अच्छी बात ये एक डेमोक्रेटिक तरीका होगा। ठीक है तारिक, अब क्या हम शॉपिंग पे फोकस कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल, करते हैं फोकस। यार मैंने नाजली से हाँ तो कह दिया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब वो ग्रेट फरीद असलान ये बर्थडे पे अपनी ये कैप्स तो नहीं पहनेगा ना, है ना? देखो तो इसे। बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे मेरी दोस्तों, वो फरीद असलान है, उनका टेस्ट बिल्कुल अलग है, उन्हें बहुत ज्यादा रिफाइंड, सिंपल और एलिगेंट चीजें पसंद है। अच्छा, और तुम्हारा टेस्ट कैसा है तारिक? मेरा टेस्ट थोड़ा सा अलग और इंटरेस्टिंग है। मसलन जैसे मेरी ड्राइंग रूम में एक सफेद स्टूल है, उस पे एक चायदान रखा है, और वो चायदान कब से वहां रखा है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। आहा, वैसे ये कैसा टेस्ट है तारिक यार? वो मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ ना, क्या करूँ, फतोश में सिंगल हूँ। क्या पता जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाए। इंशाल्लाह, यानी जल्दी और देर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन चाहत जरूर है किसी हसीन लड़की से शादी करने की। आई सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला देखो जरा। अच्छा है, वो भी अच्छा है। अरे नहीं तारिक, वो दुल्हने लगाती हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। मायने रखते हैं बलून्स। बलून्स? बलून्स क्या मतलब? रंग बिरंगे बैलून्स, तरह तरह के बैलून्स, उन्हें फुलाते हुए और जमीन पर छोड़ते हुए अच्छे लगेंगे पार्टी में, है ना? क्या कहती हो?
अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है यार तारिक, तुम तो बेस्ट हो। वाकई में? जरा देखें तो। मैंने सुना था कि ताहिर एक रिपेयर शॉप में काम कर रहा है। मुझे भी यही बताया था कि वो किसी रिपेयर शॉप में काम करता है। मुझे भी हैरानी हुई, लेकिन काम काम होता है। और क्या उसे मोहल्ले में कल से किसी ने नहीं देखा, ये कन्फर्म है आपको? अरे वो तो मेरे पास यहाँ हर शाम आया करता था, लेकिन वो तो मेरी खैरियत तक पूछने नहीं आया। क्या उसने कोई खबर भी नहीं भिजवाई आपको या घर पे? नहीं, भिजवाई होती तो मुझे पता होता। पहले भी वो काम के सिलसिले में कुछ दिन गया हुआ था, लेकिन हमें पता होता था। दुनिया में क्या कुछ होता रहता है, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। अल्लाह रहम करे। नहीं इंशाल्लाह कुछ भी बुरा नहीं होगा इंशाल्लाह। जैसे ही आपको कुछ पता चले मुझे कॉल कीजिएगा, ये मेरा कार्ड है। ठीक, मैं भी उसे ढूंढूंगा, कुछ पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है सर। चले खुदा हाफिज। नाजली मैडम, कैसी हैं आप? मैं अरसे, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर। मिलके खुशी हुई अरसे साहब, मैं नाजली। ये जगह बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। आदिल साहब ने आपके बारे में बताया था, वैसे हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरसे साहब, मैं ट्रेनिंग देना चाहती हूँ इधर। मैं जगह ढूंढ रही थी, आदिल सर ने यहाँ का बताया। आदिल साहब ने आपकी बहुत ज्यादा तारीफ की है, आपको नई नई स्वीट डिशेस बनाना बहुत पसंद है। मेरे दिमाग में हर वक्त कोई न्यू रेसिपीज आती रहती हैं। मैंने एक प्लान बनाया है, इंटरेस्टेड लोगों को ट्रेन करना चाहती हूँ। तो आप ऐसा कीजिए नाजली मैडम, कल से आके काम शुरू कर दें। कल से? जी कल से। कल शेफ अक्सल यहाँ केक सिखाने वाले थे, मगर उनके लिए कोई जरूरी काम आ गया था। मैं भी परेशान हो गया था कि मैं क्या करूँ, सबने बुकिंग भी कर ली थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। असल में अच्छा हुआ, आपका काम देखने के लिए हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शेफ अक्सल की जगह आप क्लास ले लीजिएगा, बल्कि आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा ताकि हम आपका प्लान भी देख लें। क्या ये ठीक रहेगा? किसी और शेफ का नाम अनाउंस करके दूसरे शेफ को बुलाना नहीं चाहते, लेकिन सब स्लॉट्स बुक हैं। मैं क्लासेस कैंसिल नहीं करना चाहता, ये हम सबके लिए बेहतर होगा नाजली मैम। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। जरूर। बेटा बंद करो सर, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। उस्ताद मेरे टायर्स में से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, शायद कुछ रिम का मसला है, आप देख सकते हैं क्या? मैं टायर्स का काम तो नहीं करता, लेकिन देख लेता हूँ। कामिल यहाँ हूँ बेटा। यहाँ कोई और मैकेनिक नहीं है? नहीं, एक मैं हूँ और एक मेरा असिस्टेंट है। कुछ दिन पहले मेरे आदमी मेरी कार लाए थे यहाँ, यहाँ कोई ताहिर नाम का मैकेनिक था, उसने बड़ा अच्छा काम किया था मेरी गाड़ी का, वो कहाँ है? ताहिर? वो तो चला गया, यहाँ स्टाफ बदलता रहता है। यहाँ पर लोग दो तीन महीने काम करके भाग जाते हैं, टिकते ही नहीं, कुछ तो एक हफ्ते भी नहीं टिकते। अच्छा ठीक है, लेकिन वो गया कहाँ? आपसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करता था, हमें उसका काम पसंद आया था, इसलिए पूछ रहा हूँ। पता नहीं, दरअसल मुझे उसका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो कोई भी काम दिमाग से नहीं करता था। आपको भी उससे दूर रहना चाहिए, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। हैरत है, जब तक ताहिर यहाँ काम करता था हक्कान इस जगह की बड़ी तारीफ करता था। हक्कान ओनर, उन्होंने ही मुझे इस जगह के बारे में बताया था। हक्कान ओनर, वो अपनी गाड़ी यहीं भेजते हैं, मैं खुद करता हूँ उनकी गाड़ी का काम। हकान जब भी किसी की तारीफ करता है वो मुसीबत में फंस जाता है, तुम भी संभल कर रहना। ठीक है मैं चलता हूँ, कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। आ, अरे नाजली क्या हुआ, कुछ काम बना क्या? हाँ फतोश बन गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। अभी कुछ नई चीजें भी हैं बताने के लिए, बाद में बताऊंगी, पहले आज शाम की पार्टी हो जाए। तुम लोगों ने क्या किया? हमने तो पार्टी के लिए सारा सजावट का सामान खरीद लिया है।
अल्लाह करे कि अब वो बस फरीद को पसंद आ जाए। और कुछ नहीं चाहिए नाज़ी। जरूर पसंद आएगा उसे, मैंने जगह भी ढूंढ ली है, आज रात की बुकिंग भी करवा ली। बहुत खूब, तुम लोग थोड़ी देर में वहीं चले जाना। ठीक है। मैं सोच रही थी कि तुम लोग के साथ चल के हेल्प करवा दूं थोड़ी, लेकिन मुझे बर्थडे केक तैयार करना है। हाउ रोमांटिक, अपने मियाँ के लिए अपने हाथों से केक बना रही हो। फतोश चुप करो, ये सब एक खेल जैसा है, तुम्हें भी पता है। ठीक है मुझे सच पता है। तो फिर क्या तुम डेनिस को बुला रही हो पार्टी में? मैंने अभी सोचा नहीं है, पता नहीं। तो क्या आपको इस बात का डर है कि डेनिस आपका भांडा फोड़ देगा? नहीं आसुमान, मैं डेनिस के भले का सोच रही हूँ। मैं और फरीद वहाँ मियाँ बीवी की तरह जाएंगे, शायद हमें डेनिस देख के अनकंफर्टेबल हो जाए। ये फैसला आप डेनिस पर छोड़ दीजिए, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल फैसला है। समझ नहीं आता कि बुलाएं या ना बुलाएं उसे। मुझे डेनिस और फरीद की ये लड़ाई बहुत तकलीफ देती है, उनकी दोस्ती कराने का कोई तरीका ढूंढना होगा कि सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है नाज़ली, जहाँ तक मैं जानती हूँ उनके बीच बहुत मसले हैं। हेलो नाज़ली। डेनिस कैसे हो? हाँ ठीक हूँ बिल्कुल, शुक्र है। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, थकी हुई हूँ लेकिन ठीक हूँ। मैं असल में तुम्हें फरीद की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना चाह रही थी। पार्टी में? फरीद साहब को तो पहले पार्टीज पसंद ही नहीं हुआ करती थी। हाँ मैं उसे सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? अच्छा है, कैसा सरप्राइज? नहीं मैं नहीं बताने वाली, सबके लिए सरप्राइज होगा। इनवाइट करने के लिए शुक्रगुजार हूँ, मगर शायद मुझे लगता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है डेनिस, अगर तुम अपना फैसला बदल लो, यानी अगर पार्टी में आ जाओ, तो मैं और फरीद दोनों बहुत खुश होंगे। वैसे मुझे मुश्किल ही लगता है। ठीक है, फैसला तुम्हारा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या मेरे अल्लाह, मैं डर गया था। देखो फरीद आसलान कैसा है। बहुत अच्छा, लेकिन मनामी मैं और बलून नहीं फुला सकता, क्योंकि ये दुनिया गोल गोल घूम रही है और मुझे चक्कर आना शुरू हो गए हैं यार। तारिक इतने बलून काफी हैं, सांस ले लो, थक गए होगे। अच्छा इन्हें बांधना। हाँ बांध रहा हूँ, इसे देना मुझे, इसे अलग टेबल पे बांध देना। ठीक है। हाय मेरा तो सर चकरा रहा है यार। सांस फूलने की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, अरे थोड़ा इसे ऊपर करो, नहीं तो ऐसे सबके मुंह पे लगेगा। ठीक है, ये सही है तारिक। हाँ हाँ, जितना ऊंचा हो सकता है ऐसे कर दो। ठीक है। बहुत अच्छे। हाँ ये सेम हाइट पर हो गए, बिल्कुल सेम। ओ फरीद असलान, हो गया काम, इतने बैलून बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ असल में काफी अच्छा लग रहा है। ये लो बस यही है, ये मैं फुला देती हूँ। भरो ना। क्या कहा? बलून में हवा भरो ना। अरे हद है मनामी, तुम्हें कितनी अच्छी उर्दू आती है यार। हाँ तो क्यों नहीं आएगी, मैं सालों से यहीं पर रह रही हूँ, अब तो मैं सब कुछ जानती हूँ। भरो ना हवा। भरता हूँ। अरे वाह यार, मेरी उम्र के लोगों की शादी और बच्चे भी हो गए और मैं यहाँ बैलून्स फुला रहा हूँ। रुको मैं फुलाती हूँ।
फिर मैं तैयार हूं फरीद अस्लान, कहां हो तुम? सिर्फ एक ही डिनर है ना? हाँ फरीद, बहुत सिंपल सा डिनर है। हमें मियां बीवी की तरह और ज्यादा बाहर जाना चाहिए ताकि लोगों को लगे हमारी शादी असली है, ऐसे सोचो। आज ही रात क्यों? आज रात क्यों नहीं, ये एक नॉर्मल रात है। नॉर्मल? लेकिन ये तुम्हारे ड्रेस नॉर्मल रात के हिसाब से तो थोड़े भारी लग रहे हैं। सच बताओ। मैं रास्ता जानती हूँ, तुम्हें बताती रहूंगी। बोलो तुम जा रहे हैं तो मिसेस मकबूल को तंग नहीं करना, ठीक है? ठीक है मामू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आसुमान, ज्यादा रिक्वेस्ट मत करो प्लीज। तुमने यहाँ आने की जहमत की, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर साफ बात है मैं पार्टी में बिल्कुल भी नहीं आ सकूंगा। ओके? तुमने तो फौरन ही मना कर दिया, थोड़ा सा भी मौका दिया है मुझे मनाने का, अब बताओ मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? डेनिस पियोगी, पार्टी शुरू होने वाली होगी, लेट मत हो। मुझे लगता है कि तुमने हार मान ली है। ये तो कोई हार नहीं हुई, मैं वहां जाकर फालतू खेलों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये खेल है? तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हो? बिल्कुल। कामयाब हो रही हो? डेनिस देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आज रात पार्टी में चलो। तुम्हें छुपने की जरूरत ही क्या है? वो लोग एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, तुमने उनका रास रखा और बुलुत को बचाने के लिए तुमने कस्टडी में मदद भी की। आसुमान, मसला वो नहीं है, मसला नाजली है। नहीं डेनिस, आपा का मसला नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आज रात तुम पार्टी में नहीं गए तो लोग समझेंगे कि तुम किसी से छुप रहे हो, भाग रहे हो। चलो मैं ही तुमसे पूछती हूँ, पार्टी में क्यों नहीं जा रहे तुम? नाजले, क्या हम वाकई यहाँ डिनर करने आए हैं? छोड़ो ना, मैं तुम्हें कहीं और लेके चलता हूँ। नहीं, ये जगह बहुत अच्छी है फरीद। ठीक है मैं और नहीं छुपा सकती, वैसे भी अंदर जाकर पता चल जाएगा। मैं और देर नहीं छुपाऊंगी, यहाँ तुम्हारी सालगिरह की पार्टी है। शायद मैंने सरप्राइज खराब कर दिया। हाँ कुछ ऐसा ही समझो, पर सरप्राइज और भी है यहाँ पे, अंदर जाके पता चलेगा तुम्हें कौन से सरप्राइज। क्या मतलब तुम्हारा, क्या हो सकता है अंदर? अब वो अंदर जाकर जान लेना। देखा, ये बहुत पसंद है मुझे, जब कुछ ऐसा हो रहा हो जो तुमने ना सोचा हो और तुम उसको रोक नहीं सकते, इसलिए तुम्हें खुशी नहीं होती। लेकिन मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी किस कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ तब तुम्हारा हाल क्या होगा। क्या मतलब? आज मेरी सालगिरह है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फरीद मेरी जान, तुम्हें इस बारे में दो बार सोचना होगा, अंदर जाके तुम ऐसा कुछ करोगे तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैंने कहा था ना मैं किस कर सकता हूँ। बहुत अच्छी रात होने वाली है ये, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों वो लोग आ रहे हैं। वो लोग लाइट्स को ठीक कर दीजिएगा, ठीक है? शुक्रिया दोस्तों, मुझे लगा था कि कुछ सरप्राइज होगा, लेकिन इतना बड़ा सरप्राइज होगा ये कभी नहीं सोचा था मैंने। शुक्रिया आप लोगों का, आप सब एंजॉय करें। हैप्पी बर्थडे फरीद। अरे तो कैसी हैं आप, खुश आमदी। कैसे हो? ठीक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त। तुम भी आई हो? हमारी फैमिली भी बढ़ रही है। मुझे तो खबर ही नहीं थी इसकी। सही कहा।
ताइलान, तुम बाकू में नहीं थे क्या? मैं तो मैसेज पढ़ते ही आ गया यहाँ। कैसा मैसेज? मिने, तुम तो बहुत हैंडसम हो। तुम भी आई हो, खुश आमदी। अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। हेलो दोस्त, खुश आमदीद फतोश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे लग रहे हो। नाजली, हमें तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, आ जाने के लिए बहुत शुक्रिया। सिर्फ तुम्हारे लिए नाजली। मतलब कि ये सब तुम्हारा प्लान था? हाँ, मैंने सोचा कि एक अच्छा गिफ्ट होगा। सच में ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दोगी। हाँ, पर इन सबको तुमने कैसे इन्वाइट किया? नहीं, सब कुछ नहीं बता सकती, ये मेरा सीक्रेट है।